अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और वारदात को दबंगों ने अंजाम दिया। अमेठी में सब्जी बेचकर घर जा रहे एक युवक पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने हमला किया और युवक की बाइक लेकर फरार हो गए। युवक ने किसी तरह हमलावरों के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। यह घटना अमेठी कोतवाली क्षेत्र के भैंसौना गांव की है। पीड़ित ने बताया कि घटना की तुरंत बाद ही डायल 112 को सूचना दी थी और शनिवार सुबह तहरीर लेकर अमेठी कोतवाली पहुंचा। पीड़ित युवक के मुताबिक अमेठी कोतवाली से युवक को तहरीर के साथ वापस लौटा दिया गया और कहा गया कि वह मामले की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराए। हमने प्रतोष तिराहे से दुकान बढ़ा के रोज की तरह घर जा रहे थे, तो दो गाड़ी से 6 लोग थे सर। हमारी गाड़ी रास्ते में छीनने लगे 24 तारीख को सर, रात में 9 बजे। इसकी शिकायत हमने 100 नंबर पर की थी सर। उसके बाद आज सुबह हमने कोतवाली गए, कोतवाली जाके तहरीर दी। तहरीर श्री रमेश चंद्र यादव दरोगा ने कहा कि तहरीर मत दीजिए, जाके ऑनलाइन कीजिए। क्या क्या चोरी हुआ मतलब सर? हमारी गाड़ी चोरी हुई है, 6,500 रुपए उसमें। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना है कि पुलिस इस पर कब और क्या कार्यवाही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RAM न्यूज़, अमेठी।